हे गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है एंड आप चाहते हो पेटीएम में अपना अकाउंट बनाना, तो आप कैश थ्रू बना सकते हो। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप पेटीएम में एक न्यू अकाउंट बनाना सीख जाओगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, तो आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेगा तो आपको प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट करेगा एंड आपके सामने पेटीएम आ जाएगा, ठीक है। एंड गाइस, पेटीएम आ जाने के बाद आपको वहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, तो क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है। अगर गाइस आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो तो आप पेटीएम में फर्स्ट बार जब अपना अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे आपको 100 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, जिससे आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो एंड बिल पेमेंट्स भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आप मेरे लिंक से जरूर जाकर डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। तो वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो प्ले स्टोर में आ जाओगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। यहाँ से मैंने गाइस पहले से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा है। एंड क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे ओपन करना है। एंड गाइस, आप जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। एंड क्या होगा, यहाँ पे आपको अपना नंबर फिलअप करना है, जैसे कि मेरा नंबर ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ चुका है, तो यहाँ पे आपका नंबर पूछा जाएगा, तो आपको अपना नंबर डालना है। एंड इस नंबर डालने के बाद यहाँ पे क्या करना है, प्रोसेस सेक्रेटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड गाइस, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करके यहाँ पे देखिए वेरीफाई होगा, आपके सामने देख सकते हैं नीचे वेरीफाई हो रहा है। एंड गाइस, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिस भी नंबर से आप पेटीएम बना रहे हो ना, वो नंबर आपके फोन में लगा होना चाहिए, तभी ये नंबर वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है गाइस। एंड गाइस, आपके नंबर पे जैसे ही ओटीपी आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो मेरा पेटीएम यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है अपने मोबाइल नंबर से। एंड गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्या बोला जाएगा, सेलेक्ट बैंक, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। आपको एक साइड में ऑप्शन दिखेगा स्किप का, तो आपको क्या करना है, स्किप वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आप जैसे ही यहाँ पे स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो आपके सामने पेटीएम का होम पेज का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। तो अभी आपको क्या करना है, पेटीएम में मिनी केवाईसी करना है। तो पेटीएम में मिनी केवाईसी का आपको दो ट्रिक बताऊंगा, जिसके यूज करके आप पेटीएम में मिनी केवाईसी कर सकते हो। तो फर्स्ट ट्रिक क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहां पे देख सकते हो प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। एंड गाइस, आप जहां से नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहां पे देख सकते हो आपको मिलेगा प्रोफाइल सेटिंग का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड गाइस, यहां पे जहां से क्लिक करिएगा यहां पे देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो आपको फिर से जो फर्स्ट में मिल रहा है ना प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे वो क्लिक करना है। एंड गाइस, यहां पे जहां से क्लिक करिएगा तो आपके सामने यहां पे देख सकते हो आपका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा एंड आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट नाउ का, तो यहाँ पे देख सो जैसे ही क्लिक करोगे गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है, क्योंकि गाइस अभी पेटीएम में कुछ दिक्कत चल रहा है, आरबीआई ने पेटीएम को बैन करके रखा है, इसलिए आपको ये दिक्कत आ रहा है। एंड गाइस, आप जैसे ही प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, आप यहाँ पे जाओगे तो पेटीएम में वॉलेट एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन किस प्रकार से आएगा मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। एंड गाइस, आप जैसे ही अपग्रेड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्लीज सबमिट योर बेसिक डिटेल्स टू एक्टिवेट पेटीएम वॉलेट। पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, जैसा कि आप इनमें से कोई सा डॉक्यूमेंट दे सकते हो। जैसा कि यहाँ पे देख लो गाइस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का नेम दिया गया है, जैसा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा, जॉब कार्ड। गाइस, अगर आप में इनमें से भी कोई सा आपके पास होगा ही, आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, आधार कार्ड आपके पास हो गई, तो क्या करना है, जैसा कि आपको आधार नंबर डालना है एंड अपना नाम डालना है। एंड गाइस, नाम डालने के बाद क्या करना है, आपको यहां पे देखिए टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको क्या करना है, टर्म एंड कंडीशन वाला ऑप्शन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद गाइस आपको देखो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट माई वॉलेट, यहाँ पे देख सकते हो, तो क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। अभी मैं सारा डिटेल्स फिलअप करता हूँ, फिर आपको एक्टिवेट माई वॉलेट पे क्लिक करके भी दिखाऊंगा इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है। एंड गाइस, आप जैसे ही अपना आधार कार्ड एंड आधार कार्ड पे जो आपका नेम है आप लिख लोगे, तो आपको क्या करना है, एक्टिवेट माई वॉलेट पे क्लिक करना है। एंड गाइस, आप जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपको हमने यहाँ पे लोडिंग होगा पे, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। एंड गाइस, क्लिक कर लेने के बाद आपके क्या होगा, आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, तो आपको क्या करना, उस ओटीपी को आपको फिलअप करना है। आप जैसे ही ओटीपी फिलअप कर लोगे गाइस, तो आपको पेटीएम में मिनी केवाईसी हो जाएगा। बट गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी पेटीएम में आरबीआई ने पेटीएम को बैन कर दिया है, इसलिए अभी पेटीएम में कोई भी केवाईसी नहीं हो रहा है। आप इस प्रॉब्लम का तभी सोल्यूशन करना है जब गाइस प्रॉब्लम अभी पेटीएम में चल रहा है ना, जो बिल्कुल बिल्कुल सॉल्व हो जाए ना, तब आप जाकर पेटीएम में केवाईसी कर पाओगे। अभी कोई भी केवाईसी नहीं हो रहा है, इसलिए प्रोसेस आगे भी नहीं हो पा रहा है। सो दोस्तों, आई होप आज की यह वीडियो में आप जान गए होंगे कि पेटीएम में एक न्यू अकाउंट कैसे बनाते हैं। एंड 18 साल से कम की उम्र के भी हो ना, तो आप बिल्कुल इजी तरीके से आप अपना पेटीएम में अकाउंट बना सकते हो। सो दोस्तों, आई होप आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना भूलेंगे। तो फिर से मिलेंगे ऐसे न्यू अकाउंट वीडियो साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।